अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। इस समय पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन चुका है पश्चिम बंगाल और वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, जो कि अपने ही एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए धरने पर बैठी हैं। ममता बनर्जी का ये कहना है कि मोदी सरकार CBI का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें राजनीतिक कारणों से विवादों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और इस समय पूरी जो देश की राजनीतिक धुरी है वो पश्चिम बंगाल पर सिमट कर रह गई है। मीडिया चैनलों को भी एक अच्छा मसाला मिल गया है और इस समय जो पूरा केंद्र बना हुआ है वो पश्चिम बंगाल बना हुआ है। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में श्री संत बेत्रा अशोक जी द्वारा बहुत पहले ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के ग्रह कुछ इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देंगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय निकट आता जाएगा वैसे वैसे ममता बनर्जी कुछ ऐसे कार्य कर जाएंगी जिससे कि सारी बाजी जो है वो उनके विरोध में चली जाएगी। तो श्री संत बेत्रा अशोक जी से आज हम चर्चा करेंगे अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में सुश्री ममता बनर्जी के आगामी भविष्य पर और उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से वो इस समय CBI के अधिकारियों को गिरफ्तार करवा करके अपने एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए धरने पर बैठी हुई हैं, इसका क्या परिणाम होने वाला है उनके आगामी भविष्य पर। देखिए, ममता जी के बारे में मैं बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर चुका हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर विपक्ष के महागठबंधन से अगर कोई टक्कर देगा तो वो सिर्फ ममता बनर्जी जी ही देंगी। ग्रह गोचर अनुसार और उनकी ग्रहों की महादशा और उनके वर्षफल के अनुसार अभी जो ममता बनर्जी का समय है ये 19 दिसंबर के बाद उत्तम समय स्टार्ट हो चुका है। मुंथा इनकी एकादश भाव में है और एकादश भाव की जो मुंथा है और मुंथेश दशम भाव में है। अभी जो भी ग्रह दशा है उधर उनकी भद्रिका योगिनी स्टार्ट हो गई है। शी इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट फॉर PM अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष इस चीज को अब रियलाइज करेगा क्योंकि CBI जितना ममता जी की तरफ बढ़ेगी विपक्ष उतना एकजुट होगा और एकजुट होगा ममता जी के फेवर में। और अगर कोई एक्शन होता है तो उसकी माइलेज, उसकी सहानुभूति ममता जी लेने की कोशिश करेंगी। ये तो रहा आपका जो इनका जन्म कुंडली, इनका वर्षफल और इनके जो ग्रहों की दशा और अंतरदशाओं का रिजल्टेंट इफेक्ट है। तो उस हिसाब से जो भविष्यवाणी मैंने पास्ट में की थी कि ममता बनर्जी विल बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट फ्रॉम महागठबंधन अगेंस्ट श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। लेकिन देखिए, कर्मों का फल तो हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। 3 मार्च को शनि और केतु की युति इनके केंद्र में आ जाएगी और वो इनकी राशि से अष्टम होगा। शनि जो है आपके कर्मों का फल और केतु अगर साथ में हो काउंसलर तो आपके जो भी अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं उसका आपको रिजल्ट देगा। भारत के भविष्य की 2019 की मैं भविष्यवाणी 2016 में ही कर चुका हूं कि इस बार जो होगा ना भूतो ना भविष्यति मिरेकल होगा। और ये सब जो है ये उसकी स्टार्टिंग है। इस टाइम जो गठबंधन में जो हलचल हो रही है, जिस तरीके से
सारी विपक्षी पार्टियां रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट आकर ममता जी के फेवर में आंदोलन करेंगी। देखिए अभी तक इन्होंने जो जो किया, महागठबंधन की स्ट्रेटजी हर जगह पे फेल हुई। राफेल राफेल चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, लेकिन राफेल में से कुछ नहीं निकला। सेकंड, इन्होंने अभी जो लेटेस्ट ईवीएम के ऊपर अटैक किया, उसका भी जवाब कोर्ट के थ्रू और रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है, वो जनता को बिल्कुल समझ आ गया है कि अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है वो कंफ्यूज की है, कि जनता में एक झूठ को आप हजार बार बोल के जनता को कंफ्यूज करो, और रूलिंग पार्टी में माननीय मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है वो है, जो उन्होंने काम किया है उसकी क्वालिटी, अभी तक पास्ट में जितने प्रधानमंत्री हुए जिस स्पीड से मोदी जी ने काम किया है वो स्पीड किसी ने नहीं दिखाई, और उस क्वालिटी को उनको क्वालिटी ही उन्होंने बतानी है कि हमने हमारे काम की क्या क्वालिटी है। जी सर मित्रा जी, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जिस प्रकार से आपने ये भी कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आता जाएगा वैसे वैसे ममता बनर्जी अपना संतुलन खो देंगी, और ये जो धरने पर बैठने की जो उन्होंने एक तरह से जो कार्य किया है, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये अपना संतुलन अब खो रही है? डेफिनेटली देखिए, अब इसको अगर आप देखें, इनके जो ग्रह दशा जो बता रही है, इनकी ग्रह दशा जो है, इनका जो नया वर्ष शुरू हुआ 5 जनवरी से हुआ है और 64वां साल इनका स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें इनकी मुंथा जो एकादश में और मुंथेश जो है वो इनका दशम भाव में है, और वो बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति अष्टम में है, तो दशमेश अगर छठे भाव में है, और वो जो उनको छठे भाव में जो ये जो है अपने शत्रुओं को बढ़ाएंगी, उधर शनि और केतु का जो योग है इनकी राशि से अष्टम होने के कारण, उसका भी जो इनको रिजल्टेंट इफेक्ट जो है शनि और केतु, दूसरा इनकी जो राशि है इनकी वृक राशि है, वृक राशि पे शनि की ढैया जो है ये आपकी 24/1/2020 तक है। अभी जो इनको जो माइलेज मिल रही है या इनको जो इनका जो नाम हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि इस टाइम इनकी भद्रिका योगिनी स्टार्ट हुई है जिसमें भद्र कार्य, अब ये जो है अपने आप को बिल्कुल एकदम विपक्ष की नेता स्थापित कर चुकी हैं, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी को ना तो बहन मायावती जी और अखिलेश जी के गठबंधन ने स्वीकार किया, और ना ही ममता बनर्जी इस चीज को स्वीकार करती हैं कि उनको हम जो है प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट मानती हैं, और बाकी जो गठबंधन के जो भी नेता हैं उनमें से लीड लेने की पोजीशन में कोई भी नहीं है, क्योंकि जो लीड लेने की पोजीशन में आगे बढ़ेगा उसके खाते खुल जाएंगे, और खाते खुलने के बाद कोई भी बंदा जो है इसमें अपने आप को आगे नहीं लाना चाहता, और ममता बनर्जी की छवि पास्ट की बहुत बढ़िया थी जहां तक करप्शन वाली बात है, लेकिन ये जो शारदा घोटाला चिटफंड वाला जो घोटाला है उसमें ये कहीं बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है, जिसके लिए उन्होंने शोर मचा दिया है, क्योंकि ये अगर उजागर हो जाता है और इनके साथ में वो लोग खड़े हैं जिनके गले में एक किस्म से फंदा
फंसा हुआ है। तो ये शनि और केतु इनकी राशि से अष्टम, दूसरा शनि की ही इनको जो है ढैया 24 जनवरी 2020 तक होने के कारण उसका जो कुप्रभाव है उसके तहत ये उनकी जो है ग्राउंड तैयार हो रही है। अभी ये मोस्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट बन जाएंगी, जैसा कि भविष्यवाणी की थी उस टाइम तक कहीं कोई सोच नहीं सकता था कि एक रीजन की जो नेता हैं वो एक स्टेट की लोकल नेता जो हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आएंगी, लेकिन अब तो वो खुल के आ गई हैं। दूसरा ग्रह दशा जो है शनि और केतु का कॉम्बिनेशन, भले ही इनका जो शनि है उच्च का है, इनका चंद्रमा उच्च का है, इनका बृहस्पति उच्च का है, तीन ग्रह उच्च के जो है राजयोग देते हैं, लेकिन शनि और केतु का कॉम्बिनेशन इनके कर्मों का फल इनको 2020 से पहले देगा और मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, मार्च तक आते आते हो सकता है। पश्चिम बंगाल पर ये था हमारा विशेष एपिसोड जिसे आपने देखा और दर्शकों की ये मांग भी हमने समय रहते पूरी कर दी है। आने वाले समय में देश के भविष्य की जानकारी आपको समय से पहले समय की जानकारी देना हम नहीं भूलेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, आप भी अपना कर्तव्य देश हित में निभाते रहिएगा। हमारा चैनल देखने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।